अदमापुर क्षेत्र के उप डाकघर के पोस्टमैन पर गंभीर आरोप लगा है। पोस्टमैन पर 3 लाख गबन करने का आरोप लगा है। पीड़ित ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की है। तहसील एतमादपुर के पोस्टमैन पर गंभीर आरोप लगे हैं। उप डाकघर मुखावर बरहन में तैनात पोस्टमैन पर 3 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई है। ऐसा बताया गया है, सुकन्या योजना सहित कई योजनाओं के रुपए पोस्टमैन द्वारा हड़प लिए गए हैं। सर, कार्ड का खाता खुलवाया था डाकखाने में, 15,000 रुपए जमा किए थे 16 मई। कौन सी सर? देखो, ये कुछ मुझे नहीं पता, मैं आज आया हूँ। अच्छा, उसमें कितना पैसा है? उसमें जीरो बैलेंस दिखा रहा है, बस कार्ड के बैलेंस। सर, मैंने कोई किस्त उठाई थी, लोन उठ रही है, जो दो किस्त उठाई थी, दोनों का खाता खोला था मेरी बीवी का, उसका पैसा मैं बोल नहीं पाती है, तो मैंने वो खाते में जमा कर रखा था अपने मकान के लिए, बच्चों के लिए, वो मैंने पैसे निकाल लिए, जीरो खाता है मेरा। मेहनत मजदूरी कर लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए डाकघर में पैसा जमा करते थे, लेकिन पोस्टमैन ने गरीबों का रुपया हड़प लिया। मनोज नाम के पोस्टमैन ने फर्जी तरीके से लोगों को रसीदें दी, लेकिन जब खाते का बैलेंस चेक किया गया तो खाते में रुपया नहीं था। आजाद सिंह सिसोदिया, सी न्यूज़, आगरा।